किसको जानते हो आप आर्यन को, आप ये कमेंट करके बताओ कि आर्यन के साथ मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं चाहिए। ये भैया बहुत पीछे, नई वीडियो आर्यन खंडारे के साथ जल्दी आने वाली, तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हाँ गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और शाम के बज चुके हैं, 6 बज चुके हैं शाम के, और मौसम देख लो, अभी अभी बढ़िया बारिश हुई है तो काफ़ी ठंडा मौसम है। और मेरे हाथ में है मिमी। एक्चुअली मिमी को अभी एक डॉक्टर के पास लेके जाना है, बिकॉज इसको शायद से जिन ने खेल में दो मिमी के सर में जिन ने थोड़ी चोट मार दी है। ये देखो हल्की सी, ये दोनों खेलते रहते हैं तो इसको चोट लग चुकी है। और बरसात का मौसम है, मिम्मी को गुस्सा आ रहा है। ओ मिम्मी, तो इसको डॉक्टर के लेके जाना है, तो फटाफट इसको डॉक्टर के लेके जाता हूँ, डॉक्टर को दिखाता हूँ। डॉक्टर, सो गाइस मिम्मी को फटाफट डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, और होप सो कुछ सीरियस ना हो। वैसे तो बहुत छोटी चोट है, बट बरसात में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि इसको थोड़े इन्फेक्शन हो जाए या कुछ भी दिक्कत आ जाए, तो इसको जाकर डॉक्टर को दिखा देता हूँ, इसका जो भी ट्रीटमेंट है वो करवा देता हूँ, फिर उसके बाद सीधा चलता हूँ जिम और आपको मिलता हूँ जिम के अंदर। आज मेरा पोस्ट वर्कआउट रहेगा, आज मैं करने वाला हूँ बेंच प्रेस। होपफुली मुझे बेंच और बार खाली मिल जाए तो अच्छे से मज़ा आ जाएगा वर्कआउट करने में। तो दिखाता हूँ कैसा रहेगा वर्कआउट, पहले लेकर चलता हूँ मिम्मी को डॉक्टर के पास। उसको लग तो ना, थोड़ा सा साफ करने के लिए तो दिखा। मिम्मी 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 बस बस बस, गूंज कर गूंज कर बस गूंज कर। क्या नाम मिम्मी? सो एक्चुअली हुआ क्या है ना, मुझे नहीं लगा कि मिम्मी का जिंजर ने मारा होगा। अब इसके बाल वगैरह ट्रिम कर दिए हमने और दवाई लगा दी है। एक्चुअली इसको एलर्जी हुई थी और इसने अपने ही नेल्स मारे हुए हैं, तो ये एलर्जी की वजह है, जिंजर ने नहीं मारा है। अभी अपनी बेंच स्टार्ट कर दिए, आज मैं कोशिश करूँगा 100 kg में विदाउट अपने हिप्स को उठाए 4-5 रैप्स के लिए जाने के लिए। फॉर्म पर ध्यान दिया जाएगा और कोशिश ही रहेगी अच्छे से अच्छी निकले। सॉरी वर्कआउट तो पूरा हो चुका है, अभी मुझे दो सामान लेने, एक टोफू लेना है और एक लेना है मिम्मी के लिए विस्कर्स की ग्रेवी। तो विस्कर्स की ग्रेवी ले लेता हूँ, बिकॉज रॉयल कैनन और विस्कर्स मैं मिक्स करके खिलाता हूँ। तो हम ले गए ये एक मिम्मी के लिए, मिम्मी के लिए एक विस्कर्स की ग्रेवी ले ली है, और एक लेना है मुझे अपने लिए टोफू, बिकॉज आज कल मैंने चिकन खाया था, तो आज मैं टोफू एंड एग वाइट्स खाने वाला हूँ। टोफू ढूंढते हैं कहाँ है टोफू, टोफू 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 भाई नहीं मिले, मिल चुके हैं। ये लेना है मुझे आफ्टर एट, ये आफ्टर एट लेना है एक पैक। तो अब यहाँ से इसको लेकर चलता हूँ सीधा घर, फिर आपको मिलता हूँ घर पर डिनर के साथ, और कुछ बातें करनी है आपसे, इंपॉर्टेंट बातें। तो अपना डिनर विनर रेडी कर लिया है, आज मैं 200 ग्राम चिकन है और आज दिन का थोड़ा सा टोफू बचा था ये यूज़ कर रहा हूँ। दो अंडे मैंने खा लिए एक्चुअली, मैंने छीलते छीलते ही, एक खीरा है, दो टमाटर है, यहाँ हमारे जिंजर भाई है, मिमी मिमी तो चिकन खाना है, जिंजू चिकन खाना है, यो बॉय ले ये ले। तो फटाफट इसको फिनिश करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे और बताता हूँ क्या होने वाला है आगे की वीडियोज़ में, और क्या कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, क्या डिफरेंट होने वाला है।
हुआ क्या एक्चुअली, मैं रात में डिनर करने के बाद उसके बाद मैं काफ़ी थक गया था एंड मुझे ऐसा लगा कि यार वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसको एंड भी नहीं किया। तो अगले दिन नेक्स्ट डे मैं अब ये दिन में बना रहा हूँ। तो आपसे एक चीज़ शेयर करनी थी। तो गाइज आप समझ गए होंगे थंबनेल देख के कि नई वीडियो किसके साथ आने वाली है। नई वीडियो आने वाली है आर्यन खंडारे के साथ, आप सब उसको जानते होंगे बहुत अच्छे से। उसके बारे में बहुत ख़राब बातें भी होती है, बहुत अच्छी बातें भी होती है, पर काफ़ी लोग उसको बोलते हैं कि तू 18 साल का नहीं है और इतने साल से 17 साल का ही है, 18 साल का है, बिकॉज मेरे एंड वो मेरी ही जिम में आता है, साथ में मेरे ही टाइम पे वर्कआउट करता है। तो मैंने सोचा उसके साथ एक वर्कआउट प्लान किया जाए, एक वर्कआउट का सेशन प्लान किया जाए और कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करनी चाहिए उसके बारे में, मैं उसी ही के मुँह से क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा, जानना की कोशिश करूँगा कि क्या सीन है इन सब चीज़ों के बारे में, कि बंदे उसको बोलते 17 साल का नहीं है, 18 साल का नहीं है। पर्सनली मैं उसको जानता हूँ, अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो मुझे वो बंदा कूल लगता है, काम लगता है, अपना काम कर रहा है, बढ़िया से ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है इसको यूट्यूब पे, और उसके जो लिफ्ट्स है बहुत अच्छे लिफ्ट्स है। तो होता क्या है, जब आप ऊपर की तरफ चढ़ते हो तो नीचे खींचने के लिए बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो नीचे खींचने वाले आपको बहुत मिलेंगे, वही उसके साथ होता है। तो वीडियो में उसके साथ बात भी होगी, वर्कआउट भी होगा, दिखाऊंगा उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इतना ज़्यादा उसको लोग ट्रॉल करते हैं, इतना फिर भी वो इतना पॉजिटिव रहता है लाइफ में और इतना अच्छा अपनी लाइफ में कर रहा है। तो सब चीज़ बैठ के बात भी होगी और अच्छा वर्कआउट भी होगा। उसके लिफ्ट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे से तो बहुत ही भयंकर लिफ्ट्स है, तो मैं उसके लिफ्ट्स तो मैच नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ मैं अपनी जो मेरा अपना एक्चुअल वर्कआउट है वो उसके साथ करने वाला हूँ। लेट्स सी कैसा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और एक और बात, अगर आपको लगता है कि नई वीडियो बनानी चाहिए जल्द से जल्द, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, नई वीडियो आर्यन खंडारे के साथ जल्दी आने वाली। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।